पूरी दुनिया को हिला देने वाले कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने यह भी दावा किया कि ये दवा सितंबर तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए इसका उत्पादन शुरू हो गया है। प्रोफेसर ने कहा कि इस दवा का नाम एक्स दिया गया है। उन्होंने कहा कि CHAdO1 तकनीक के साथ इसके 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। हमें एक डोज से ही इम्यून को लेकर बेहतर परिणाम मिले, जबकि RNA और DNA तकनीक से दो या दो से अधिक डोज की जरूरत होती है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाने की जानकारी दी और सफलता का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी 1 मिलियन डोज इसी साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड की टीम इस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास से इतनी भरी है कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रोफेसर एड्रियन हिल ने कहा कि टीम विश्वास से भरी है, वो सितंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहते जब क्लिनिकल ट्रायल पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमने जोखिम के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। प्रोफेसर हिल ने कहा कि 7 मैन्युफैक्चरर्स में से 3 ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 चीन और 1 भारत से है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल सितंबर या अधिकतम साल के अंत तक इस वैक्सीन की 1 मिलियन डोज उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के ट्रायल की शुरुआत 510 वॉलंटियर्स के साथ हो गई है। तीसरे चरण तक 5000 वॉलंटियर्स के जुड़ने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन की खोज में जुटी प्रोफेसर गिलबर्ट की टीम को ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च और द यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने 2.2 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। देश में 14,000 से अधिक लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से दुनिया में 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों में इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए शोध हो रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों की फहरिस्त में शामिल है।